महेश शर्मा। आज 26 दिसंबर 2019 है। मैं बैगुन शहर के एयरपोर्ट न्यांग यू एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, जो कि म्यांमार देश में है। कोई ज़माने में म्यांमार हमारे भारत के अंदर होया करता था। भारत के टुकड़े होने के बाद म्यांमार 1948 में भारत शहर हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं भारत की भूमि पर ही घूम रहा हूँ। म्यांमार भले ही भौगोलिक रूप से एक अलग देश बन गया है, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ के लोगों का व्यवहार, आपकी भाईचारा बिल्कुल भारत के लोगों की तरह है। महेश शर्मा, 26 दिसंबर, न्यांग यू एयरपोर्ट, बैगोन। सामने आप देख रहे हैं बैगोन न्यांग यू एयरपोर्ट। महेश शर्मा फ्रॉम हियर, 26 दिसंबर 2019। यह म्यांमार का सेकंड बड़ा शहर है बैगोन। एयरपोर्ट का नाम है न्यांग यू एयरपोर्ट। थैंक यू। न्यांग एयरपोर्ट पर यहाँ पर हमारे IR होटल के गाइड जो हैं, खान साहब हैं, हमें लेने आए हैं। टैक्सी हमारे लिए खड़ी हुई है। अभी टैक्सी के द्वारा IR होटल में जाएंगे। ओके। ओके, थैंक यू। क्रॉस दैट डोर। हम जा रहे हैं, ये आर्टिफिशियल गुफा है। और जो असली गुफा है हिंदुस्तान में बहुत सारी है, जैसे अजंता एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इस गुफा का नाम है क्यान से थार उमैन। ये 11th to 13th century के बीच में बनी गई है और इसको बनने में लगभग 200 वर्ष लग गए हैं। मैं महेश शर्मा फ्रॉम हियर क्यान से थार उमैन। À la villa pour le. Non, mais la villa avec les petits morts de Corse, le midi, tu fais ta sieste et tu entends ça. Ya,
The name we call Tiloka Mingala. No, Tiloka Mingala. Tree means the tree. Loka means the wall. Tree wall. Okay. Yes. During that 30th century. Okay. Yes. In 30th century, the king who built the temple. Yes. His name was Matamia. Matamia. Yes. His other name we call him Siatinka. Siatinka. Yes. Yes. The temple is very popular temple in Bagan. It is very popular temple in Bagan. Yes. Yes. So this temple or pagoda? Yes, that is. Excuse me, mister. Yes. The temple, we. Yes. We already explained about we have tea, the plant care or the temple, water, or that, combined that, centripetal type. The temple is centripetal type temple in Bagan. Yes. We got inside the wall. That's original 30th century. Yes. Some of the area we can see the two different layers. Some are from the 30th century, yes, 20 from the 70th century. Yeah. Okay. Different kind of the hands is just like I already explained about the Bhumibhaka Mutra and the last temple. Okay. You are missing it, not? You are missing it. Yes. Yeah,
सामने जो लोकर देख रहे हैं B90, इसमें अभी हमने कैमरा रखा था और छोटा मोटा सामान रखा था। यह बेगोन शहर में स्तूपों का समूह है। चारों तरफ स्तूप ही स्तूप हैं। उसके बीच में महेश शर्मा है। क्रिसमस डे मनाने के बाद अब मैं बेगोन में आया हूँ और स्तूपों के दर्शन कर रहा हूँ। इन स्तूपों के अंदर सब में भगवान बुद्ध हैं। कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध का यह मंदिर है जो स्तूप कहलाता है। तमाम स्तूपों के बीच में गिरा हुआ महेश शर्मा अपने आप को बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सत्संगमयी समझ रहा है। यहाँ पर आकर के भावना स्वतः ही चेंज हो जाती है। जब इतने मंदिरों के दर्शन होते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं, तो नेचुरल है मनुष्य का मन भी शुद्ध हो जाता है। आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा शगुन मिलेगा, इसलिए हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए। ओके, थैंक यू माई डियर। फोटोग्राफर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू फोटोग्राफर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई एम गोइंग टू सी मेनी स्तूपा इन दिस साइड। यस सर, यस 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 यस। ओके, फॉर एनीवन। या।